तो आप लोग देख सकते हैं कि हम एरेंगल से मीरामार पहुंच गए और अभी भी प्लेन में 97 बंदे हैं और वो सारे 97 प्लेयर्स ऑल में क्या कर रहे थे सुनो आप लोग। अभी तो एक लड़की है, क्यों गाली दे रहे हो लड़की को? तुम्हारी माँ भी तो लड़की है। अरे लड़की तेरी माँ, इसका माँ लड़की नहीं था, इसका माँ शायद लड़का है, इसलिए इसको गाली दे रहे हैं लड़की को। अभी 97 प्लेयर कूदे क्यों नहीं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, सर्वर हैकर। तो आज के इस गेम प्ले में हमारे मैच में सर्वर हैकर आया था जिसने गेम को फ्रीज कर दिया और अनफॉलो का बटन ही प्लेन से गायब कर दिया। अब सच बताऊं तो शुरू में मेरे को लगा कि 697 पिंग आ रही है, शायद उस वजह से मैं कूद नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि यार जंप का बटन ही नहीं दिख रहा है, ऊपर से 97 के 97 प्लेयर ही प्लेन में है, कोई भी नहीं कूद पा रहा। तो फिर मैंने माइक ऑल में किया और अब सुनो आप लोग। अरे मेरे पास कूदने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कूदने का नेट हाई हो गया क्या? मेरी भी 670 की पिंग है, पता नहीं ऐसे लग रहा है। 670 मेरे पास वो नहीं आ रहा ना, तो भैया पानी में गिरेंगे, पिल जाएंगे हम सब, पानी में नहीं गिरे, नोबो में गिरेंगे, ब्रो नोबो में। हैकर है ये, हैकर है, 100% हैकर है। कोई नहीं कूदा, कोई नहीं कूदा। अरे ये क्या वक्त हो दिया, गिरे नहीं बाजू में कोई? हेलो, अभी नहीं गिरेंगे, अभी नहीं गिरेंगे। क्या होता कब गिरेंगे? अरे रहना पड़ेगा, ये हैकर नहीं है, ये कोई ग्लिच है मुझे लग रहा है। हाँ ऑल पे हल पे है, ऑल ए सुमित ने किया, ए सिग्मा बॉय, ए सिग्मा बॉय ने किया है, क्या सिग्मा बॉय हैकर है, कौन है मार तक जाएगा ब्रो, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय जिसका एरोप्लेन है इसने हैक किया, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय मार तक जाएगा। कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक लड़की है, क्यों गाली दे रहे हो लड़की को? माँ भी तो लड़की है, इसका माँ लड़की नहीं था, इसका माँ शायद लड़का है, इसलिए इसको गाली दे रहा है लड़की को। बॉर्डर पे आ गए, बॉर्डर पे देखो, बॉर्डर आ गए, बॉर्डर भी पार में सर्वर हैक किया है वो भी बेटी चो। अरे वो हैक नहीं था, वो जो खेल रहा है वो भी बेटी, अरे तेरी माँ भी बेटी, तेरा बाप भी तेरी माँ का। अब यार मैंने काफी देर तक गेम को एग्जिट न किया ये सोच के कि शायद आगे कुछ होगा, लेकिन यार हम एरेंगल से सैनहोक, सैनहोक से लिबेक और लिबेक से मीरामार पहुंच गए, लेकिन भैया कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि सर्वर हैकर को सर्वर हैक करके आखिर क्या मिला, मतलब गेम फ्रीज करके इसको क्या ही मिल गया गाइस, बंदे तो सारे जिंदा हैं, तो आखिर इसको बेनिफिट क्या हुआ। और एक बात और जाननी है कि मैंने तो चलो 6-7 मिनट के बाद गेम को एग्जिट कर दिया, लेकिन इसका एंड कहाँ पे है, आखिर ये वाला मैच खत्म कब होगा। खैर अब बात करते हैं दूसरे गेम प्ले की, पर उससे पहले आकाश तिवारी गुटका धारी की कुछ बातें सुनो। हेलो हेलो गाइस ऑल पे, हेलो गाइस, हेलो 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 ऑल पे, ऑल पे बात कर रहा हूँ, गुटका धारी आए मैदान में, आ जाओ सबकी तोड़ेगा आज। कौन गुटका धारी, कौन गुटका धारी बोल रहा? अपने बीच से कोई आवाज है, पहले मैं बात ये नहीं जानता था हमारे टीम का बोल रहा कि ऑल पे बोल रहा। एक बार मेरे को किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया यार, कौन था, यमराज जादू, मेरे को गाली दे, वो कुछ गाली दिया तो मैं उसकी मैं यही लगा यार। अरे जादू ही रहा, फिर मैं कितनी गाली दिया, फिर फौजी भाई बता अरे मादर नहीं जान पाए रे अपने टीम में टायरे। तो यार इसकी कहानी सुनते सुनते हम लोग द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं और फिर लूटा लाटी करके बंदों को मारने आते हैं। और फिर उधर ही जाओ, उधर ही जाओ। Watch out! अब उतरते इस बंदे को निपटाया, उसके बाद पट्टी टी लगाया और फिर जैसे ही ऊपर आया तो मुझे नीचे से एक बंदा आते हुए दिखा। अबे फौजी भाई मेरे पास आओ, एकदम बंदा है ये
खड़ा है, जल्दी आओ। अच्छा अच्छा आजा 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 आजाद भाई, बड़ा मुश्किल से बंदा स्पॉट करवाते हैं। अरे दो दो बंदे जहाँ फौजी भाई जा रहा। अरे टावर पे तो है वो, तो मैं भी बोल रहा हूँ टावर पे तो सबसे। अरे एक ऊपर यहाँ से बेहतरीन लोकेशन जहाँ मैं खड़ा हूँ यार। अब यार टावर के टॉप पे एक बंदा था, लेकिन भैया वो मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपने टीममेट से बोला बॉटर गन दो, बिना उसके रस नहीं कर सकता। और फिर लेना मेरे से, मेरे पास लेना, मेरे से ले बंदूक बहन, जो भी ले चाहिए मोले बंदूक ले। एकदम बेहतरीन बैठा यार बंदा, मार दे अभी यहाँ से आगे। अरे बात नहीं लगे एंगल, बात गोली में चलाना, दो बंदे ऊपर आ। अरे वो दे, ये देख यहाँ देख जहाँ खड़े हैं देख ना, मार दे। नहीं मारेगा बोला ना, माँ कसम ये बैठा है। अबे पट्टी दे पट्टी दे, एक भी नहीं मेरे पास हेल्थ। अब जैसे ही मैंने उस बंदे को नॉक किया, उतना ही में जादू को किसी ने निपटा दिया। तूने खाई थी कसम। अब ये बंदा भैया पानी से भाग गया और फिर हमको दिखा ही नहीं, तो मुझे लगा कि शायद ये उसी वाले टावर में चला गया है। हेलो भाई, हेलो हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो हाँ भाई, भाई ये वाले हो क्या, ये वाले हो क्या भाई? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, ये वीडियो आएगी क्या भाई YouTube पे? चलेगी जरूर आएगी ब्रो। लेकिन यार वो बंदा तो अभी भी वही कैंप कर रहा था, बाल बाल बचा भैया। रियल वाले हो क्या भाई? हाँ भाई नहीं वाले, लोकल वाले। रुक लो भाई, अभी खेल लें दो मिनट, रुक लो। अबे फालतू की बात क्यों कर रहा है उससे, अपना सब्सक्राइबर है ना, सॉरी बोल, इज्जत किया कर ऐसे लोगों की। ब्रो अभी लेता हूँ यार, बुरा मत मानना क्या कि मेरी बात है करने की, ऐसी टोन नहीं यार ब्रो, सॉरी। भाई ये वाली वीडियो चैनल पे आएगी क्या? अरे बंद तो जान दो भैया, आएगी। फिलहाल इस टावर के तो हमने सारे बंदे निपटा दिए थे, लेकिन जिसने जादू को मारा था वो अभी भी वहीं पे था, इसलिए मैं ऊपर आया। और फिर वॉच आउट, चली नीचे ऐसा ना कूद फिर ना रोए कि आए नहीं, हम नहीं जान। अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे इसकी किल भी मिल जाती है, तो फिर मैं पट्टी उट्टी लगा रहा होता हूँ, लेकिन तभी तेरी तो माता से ऊपर जल्दी आओ, मार दी माता। नहीं 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 सबसे ऊपर है जे, वो जिंदा होएगा मादर। प्लीज रिकॉल मी हेल्प, मुझे रिवाइव कर दो भाई। कसम से यार इस मूड को एक्वामैन मूड नहीं, कैंपर मूड बोलना चाहिए। मतलब भाई अब आदमी चैन से लड़े भी ना, हमेशा उसको डर ही रहा है कौन कहां से न चिपका दे। खैर जादू और चार नंबर दो बार मर चुके थे, तो मैंने बोला ये गुटकाधारी यही कूद जा यासनाए में, और वो जो हरा हरा दिख रहा, वो हरा हरा वहां जाके रिकॉल कर देना, देख ले वो हरा हरा जो दिख रहा ना वही जाना। हाओ भाई जान ही थेता हरा हरा बना हरा हरा माता अंगूठा छाप पान की निशानी बतावत की हरा हरा पीला पीला इतना जानी थे रिकॉल जानी थे एकदम मुंह बाद हमें लाता हुआ बना है मां टोटो भला टोटो आई एम रिकॉलिंग इट सी हरा हरा इतने कात हुआ लिखा हो तो उठा ले टका तलवार ले ले मां का अरे तो भाजी भाई यार यहां के रिकॉल दिलवा दिया तो यार कैसे आती है किसी काम का नहीं समझ गया इतनी गंदी बेइज्जती मादर किसी की नहीं होती। तो यार यहाँ पे ये वार्तालाप होती है और उसके बाद मैं यहाँ कूद जाता हूँ, और यार यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था और वो भी ट्राइडेंट निकाल रहा था।
अब इसको निपटाने के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं बचता, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ बाबा लोग फटाक से जाओ, यहाँ चार चार रिकॉल कार्ड पड़े हैं। तूने खाई जो कसम बने भाई नहीं, मैंने रात में बुलाई तू क्यों आई नहीं। खैर ये गुटका धारी गाना गा रहा था, उत्तई में एक बंदा यहाँ कूद जाता है कि मैंने खाई थी कसम जोनी भाई नहीं। मेरे बहुत बढ़िया, और इसको कहते हैं भैया एक्सपीरियंस। मुझे पता था कि वो कहाँ कूदेगा, इसलिए मैं पहले यहाँ आ गया। फिलहाल इसको निपटाने के बाद हम लोग लूटा लाटी करके सीधा इस तरफ आते हैं, और अब यहाँ जो होगा वो काल्पनिक घटना में आधारित होगा। अरे मेरे अकेले दूर भी बंदे हैं, ठीक है जो करना जल्दी करना। दो गाड़ियां, दो गाड़ियां। तो यार यहाँ ये तीन बंदों को निपटाया और पीछे भी एक को नॉक किया। और आ गया वो उसी के पास, गाड़ी के पास वो। बैठो गाड़ी में बैठो, बैठो ना उस पे। मछली भागो, मछली भागो, मछली भागो, मारना मारना, ये मौका है। साला कभी कभी ना स्नाइपर लेने का घाटा हो जाता है। अगर दूसरी गन भी मेरे पास AR होती तो अभी तक मैं उसको मछली से उतार देता। क्या कहते हैं बोलेगा, वो है पीछे बैठो। अब देखो यार वो मछली वाला बंदा तो भाग गया, लेकिन जहां हम लोग पहले थे वहां दो बंदे और आ जाते हैं। लोकेशन मार्क की है, वहां अंदर ही है, देख लिया मैं भी, वो कोने बैठा जा। एक और आया, तो फाइनली इन दोनों को भी निपटा दिया। लेकिन यार मेरे पास M4 में सिर्फ 24 ही गोली थी, तो मैंने बोला दान करे दानी, रक्षा करे माँ भवानी, फटाक से गोलियां पकड़ाओ। और फिर रो 5 की, इधर इधर आओ, कितनी चाहिए? सब है, दोनों जो है तुम्हारे पास। और मां डर, अरे गाड़ी में बैठो ब्रो, नहीं मार पाओगे यहां से। बेचारे ने दान तो किया, लेकिन माँ की गाली इतनी ज्यादा देता है ना ये, कि माँ भवानी ने इसकी रक्षा नहीं करी। वो दे देगा भाजी भाई। माय गॉड, हार्ट अटैक जल्दी, हार्ट अटैक। इतने बड़े क्रिएटर का मार, दिस खिलाड़ी का मार, शर्म नहीं लग रही, नाम पढ़ा तक। अब यार यहाँ पीछे भी बंदे आ गए थे, तो मैंने बोला जादू चल पहले पीछे वालों को निपटाते हैं। और अब ध्यान देना कि मेरे पास अभी दो दो रिकॉल हैं, पर देखो आगे क्या होगा। आगे खतरा है रे, उसी उन्हें भी जा रहा हूँ, उन्हें मारोगे तो ये अपने को मार देते ना। एक ओपन में है ना, पहले फिनिश करो उसको, उतर के फिनिश कर दो, उतर के फिनिश कर दो। अच्छा तुरंत बैठ लो। शिट, कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई। अब यहाँ मैं नॉक हुआ तो मैंने बोला कोई बचाना नहीं, मैं मर के दोबारा रिकॉल हो जाऊंगा। लेकिन तभी जादू कहता है कि इधर आओ मैं बचा लूंगा। अरे पीछा पीछा, रिकॉल है क्या? दिल्ली मरो, दिल्ली मरो, अरे दिल्ली अकार में गाली लगा, गाली लगा। अब यहाँ मैं मरने ही वाला था, मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आकाश तिवारी गुटका धारी ने बिल्कुल मेरे सामने गाड़ी लगाई, और उसकी वजह से मुझे कवर मिल गया,
और उतना ही में रिकॉल भी खत्म हो गया। देखना कितना खतरनाक एंट्री मारन मारा। गाली बोलो गाली बोलो गाली बोलो गाली बोलो। कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई। तीनों की मैया। भाई बिग पैन हेलो 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 भाई बिग पैन बिग पैन फौजी भाई बिग पैन भाई बिग पैन हेलो 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 अरे तो मार क्यों रहा ब्रो बुला नंबर भाई नंबर आजा। वो कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। पहली बार आकाश तिवारी ने कसम से यार इतने अच्छे तरीके से बचाने की कोशिश की, लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पे वो ना बचाता तो शायद हम लोग बच जाते। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भैया होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए आज पहली बार आकाश तिवारी गुटकाधारी इतने अच्छे से बचा लिया। अगर रिकॉल का टाइम ज्यादा होता तो ये गारंटी न बचा पाता, गाड़ी का ब्रेक मेरे पास लगाता, रुकती भैया रोड के पास। खैर जो हुआ उसे हटाओ, जो गलत है वो ही चलत है। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।